आजादी के बाद तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण हिंदुस्तान के किसानों पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई और वो जिम्मेदारी थी हिंदुस्तान की जनता के भरण पोषण की। इस मांग को पूरा करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों ने हरित क्रांति के बाद कृषि में अंधाधुंध रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इससे उत्पादकता तो बढ़ गई परंतु गुणवत्ता समाप्त होती चली गई। नतीजतन थाली में जहर परोसा जाने लगा। साथ ही साथ किसान की खेती की जमीन भी प्रदूषित होती चली गई, जिसके चलते जैविक कृषि की मांग उठने लगी। परंतु जैविक कृषि के लिए जमीन को शुद्ध करना और जमीन की प्राकृतिक शक्तियां वापस दिलाना भी आवश्यक है। इसी दिशा में शिवयोग के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम भी सामने आने लगे हैं। आइए जानते हैं क्या है ये शिवयोग। हमारी खास रिपोर्ट। क्या है शिव योग? क्या खेती और किसानों की दशा बदल सकता है शिव योग? कौन है अवधूत बाबा? क्या कहते हैं अवधूत बाबा शिवानंद? क्या सच में किसान हो जाएंगे मालामाल? क्या किसान के घर होगी धन की बारिश? अवधूत बाबा शिवानंद प्राचीन वैदिक विद्याओं के विशेषज्ञ हैं। ये पवित्र विद्या यानी सिद्धियों के भी जानकार हैं, जो गुरु के द्वारा अपने योग्य अनुयायियों को ही प्रदान की जाती है, ताकि वह उन्हीं की विरासत में सुरक्षित रहे। उन्होंने शिव योग हीलिंग के बारे में बताया कि धरती, बीज, फसल, बागवानी और पशुधन, इन सब पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। उनका कहना है कि सिर्फ 21 दिन अगर कोई किसान अपने खेत को खाली छोड़ दे और शिव योग का मंत्रोच्चार करवाए और शिव बीज डलवाए तो किसान की लागत कम और उत्पादन दुगना हो जाएगा। शिव योग प्रक्रिया से की गई खेती में 50-70% उत्पादन होता है अधिक। शिव योग के माध्यम से होती है पर्यावरण की सुरक्षा। शिव योग से सफेद क्रांति और हरित क्रांति भी आ सकती है। प्राकृतिक आपदा पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है शिव योग से। शिव योग का मतलब अनंत से जुड़ना। जो व्यक्ति इसमें जो हम साधना सिखा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपके भीतर अनंत है, जो सोई हुई अवस्था में है। उस अनंत को शिव योग के माध्यम से आप जब जागृत करते हैं, आप उस ब्रह्मांड से, आप उसको यूनिवर्स कह दो, ब्रह्मांड कह दो, भगवान शिव कह दो, एक ही चीज है। जैसे ही आप उससे जुड़ते हो तो आपके अंदर वो ब्रह्मांड की शक्तियां प्रवाहित होना शुरू करती है और आप अपने जीवन में चमत्कार करना शुरू कर देते हैं। जो असाध्य है उसको साध लेते हैं। बाबा के इस आयोजन में तमाम किसान और भारी संख्या में लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि शिव योग और मंत्रोच्चार से बारिश और बेमौसम बारिश अथवा सूखा आदि से जूझ रहे किसान उत्पादन बढ़ा सकते हैं और खाने की गुणवत्ता भी बरकरार रख सकते हैं। इसके साथ ही बाबा का कहना है कि जीएम बीज नुकसानदायक होते हैं, वहीं इसके विपरीत देसी बीजों के बहुत सारे गुण होते हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक ऐसा जहर है जो लोगों की कार्य क्षमता और फसल के उत्पादन दोनों को घटा देता है। देखिए, हमारा जो शिव योग है, उद्देश्य है कि सभी लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, तभी वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन आपने सत्य कहा कि कितना भी योग कर ले, जहर अगर खाएंगे तो वो तो शरीर के अंदर, और जहर आ कहां से रहा है? सात्विक भोजन कर लो तो भी किसान बेचारा रासायनिक खाद छिड़कता है, वो रसायन फसल में चला गया, बीमारी लगी तो जहर छिड़कता है, पेस्टिसाइड,
वो जहर खेतों में चला गया। अब चने की खेती है तो जंगली सुअर ना आए तो ऐसा भयंकर जहर का वो छोड़ते हैं कि आदमी को दूर भगा देते, नहीं तो मर जाएगा, तो वो फसल के अंदर तो रह गया, तो वो भीषण जहर जो है वो थाली में परोसा जा रहा है। खिरयोग बीज से मिट्टी की गुणवत्ता रहती है बरकरार। खिरयोग से मिलता है पोषित भोजन। इस विधि से मिलती है कुपोषण से मुक्ति। देवी आपदा से निपटने में रामबाण है शिवयोग। बाबा करते हैं मंत्रोच्चारण और शिवयोग के बीजों का वितरण अनुयायियों में। कि आने वाले समय में धरती पूरी बंजर हो जाएगी, क्योंकि धरती के अंदर जीवन देने वाले जीवाणु भी हैं और डिस्ट्रॉय करने वाले जीवाणु भी हैं। तो जब आपने जहर डाल दिया तो जीवन देने वाले जीवाणु मर गए। जो अर्थवर्म है, जो केचुए हैं, आप मुझे दिखा दो, किसी भी खेत में है ही नहीं। भवरे वो मर गए, तितलियां वो मर गई, छोटी चिड़िया वो मर गई। इसलिए वो ऑर्चर्ड लगे हैं, फलों के बाग लगे हैं, फूल आता है फल होता ही नहीं, क्योंकि पोलिनेशन नहीं हो गए। तो ये तो साइंटिस्ट को इस चीज के ऊपर ध्यान देना होगा, खोलना होगा अपना नेत्र को सही तरीके से। तो उसके लिए जो शिव योग की खेती, फिर हमने किसानों को शक्ति देनी शुरू करी। हमने किसानों से कहा कि तुम 20 मिनट से आधा घंटा अपनी धरती पे शक्ति डालोगे। शिव योग से किसान दयनीय स्थिति से उठकर उच्च जीवन स्तर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ग्रामीण युवाओं को भी बेरोजगारी का दंश नहीं झेलना पड़ेगा, ये मानना है अवधूत बाबा शिवानंद का। शिव योग अपना के जैसे बाकी किसान बदल रहे हैं अपनी जिंदगी, वैसे ही आप भी बदल सकते हैं अपनी जिंदगी। स्पेशल डेस्क A1 TV जयपुर।